हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनसरकारी। टुडे वी आर टेकिंग आवर फिफ्थ लेक्चर इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। इन आवर फर्स्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अ कोट बाय सी राइट मिल्स दैट नाइदर द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल नोर द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी कैन अंडरस्टैंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग बोथ। सो दिस शोज डैट देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री, राइट? आओ नाउ टूडे वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू थॉट दैट बाय मार्कस गार्वे, अ पीपल विदाउट द नॉलेज ऑफ देयर पास्ट ओरिजन एंड कल्चर इज अ हिस्ट्री विदाउट रूट्स। ये टर्म कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा कोट है ये। अगर आप खुद से कोट करोगे तो भी आपका स्कोर बढ़ा सकता है, लेकिन काफी बार आजकल का ट्रेंड क्या है कि यही कोट आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, और इसी के ऊपर आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो दिस कोट रिफ्लेक्ट्स दैट देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ वी डिडंट स्टडी पास्ट देन इट इज लाइक दैट हिस्ट्री विदाउट रूट्स। ओके, सो वट इज लेट्स डिफाइन हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी। नाउ हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन मटीरियल एविडेंस, यानी कि मटीरियल एविडेंस जो हमें कोई मटीरियल के थ्रू या कैसे एक्सकेवेशन के थ्रू मिला है। लेकिन सोशोलॉजी, वट इज सोशोलॉजी? सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, बट विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री सोशोलॉजी इज यूजिंग हिस्ट्री with the help of comparative methods. What is sociology is doing? Sociology is comparing the society of past and present and coming at the conclusion and giving a theory and concepts of that topic. But sociologist, अब question आता है, क्या sociologist historian हो सकते हैं? जैसे कि histories में तो historians होते हैं, उनकी अपनी अलग अलग, उनके according अपनी सारी डेफिनेशंस होती हैं, या फिर कोई कमेंट कर देते हैं हिस्टोरियंस, ठीक है। लेकिन क्या सोशियोलॉजिस्ट सेल्फ हिस्टोरियन बन सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा नो, बिकॉज दे आर यूजिंग कंपैरेटिव मेथोडोलॉजी, दैट इज कंपेयर द सोसाइटी ऑफ पास्ट एंड द प्रेजेंट। अब हिस्ट्री स्टडीज कंक्रीट डिटेल्स, यानी कि जो एविडेंस हमें मिले हुए, यानी कि जिसको हम बदल नहीं सकते, वो कौन स्टडी करेगा? हिस्ट्री। वाई द सोशियोलॉजिस्ट आर मोर लाइकली टू बी एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द कंक्रीट रियलिटी। होते कंक्रीट एविडेंस ही है, लेकिन उसको वो किस तरीके से फॉर्म में लेते हैं? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, कैटेगराइज एंड जनरलाइज इट। अब नाउ जनरलाइजेशन ऑफ इवेंट्स, कैन इट बी पॉसिबल इन हिस्ट्री? नो, इट कांट बी पॉसिबल इन हिस्ट्री। एट हिस्ट्री इज अबाउट यूनिक इवेंट्स, सो हाउ कैन बी जनरलाइज इट? सो दिस कैपेसिटी sociology have, that the sociology can generalize the events. This makes sociology and history to some extent different, and there is divergence between them. Let's take one example, that we everyone knows that we are under the colonial state, like under the British rule in India. So there is a lot of high tax is paid by the people to the Britishers. एंड दिस इज द फैक्ट कि उनको इतना ही कर देना होगा, बट इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा होगा लाइफ ऑफ द पीपल जो कि उस एरिया में रह रहे हैं? तो अब वो किसका काम होगा? इट इज वर्क डन बाय सोशियोलॉजी, एंड आफ्टर स्टडिंग इट व्हाट विल हैपन, दे विल फोकस टू ब्रिंग चेंज इन दैट सोसाइटी। ओके, तो इससे थोड़ा क्लियर हो जाता है कि हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी में कैसे रिलेशनशिप है, कैसे कन्वर्जेंस है, कैसे डाइवर्जेंस है। अब हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी कैन नॉट बी सेपरेटेड रेडिकली, यानी एकदम से, रेडिकली मींस एकदम से हम किसी भी हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, एज आर दे इन द सेम सोसाइटी। लेट्स इट्स ट्रू डेट It is in the same society with different viewpoints as well as same point of view to some extent. There is evolution in society. So history and sociology coinciding each other, but some distinction is also there.
So we can say that there is convergence as well as divergence between history and sociology. So today, however, history is far more sociological, and social history is द स्टफ ऑफ हिस्ट्री. सोशल यानी कि जो सोसाइटी के बारे में बताए, क्या कंडीशंस है, क्या कल्चर है, वो कौन बताया. तो उसके लिए हमने टर्म क्या यूज करती है, सोशल हिस्ट्री. सो सोशल हिस्ट्री इज द स्टफ ऑफ हिस्ट्री. इट लुक्स एट सोशल पैटर्न्स, मूड्स एंड इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस अदर देन द फैक्ट. एक्ट ऑफ रूलर्स, वार्स एंड मोनार्की. तो हिस्ट्री में क्या होता है, किंग्स के बारे में वॉर्स हुए हैं, मोनार्की रूल था, कैसे डेमोक्रेसी आई, कैसे रूलर्स एक्ट करते थे, क्या उनकी पॉलिसी थी, वो सब किसमें बात होगी, हिस्ट्री में. लेकिन उसके सोशल पैटर्न्स को यानी सोशल हिस्ट्री को कौन देखेगा, सोशियोलॉजिकल व्यू आना है, शुरू हो जाएगा उससे. तो दिस ऑल टॉक्स अबाउट आवर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री. सो थैंक यू वेरी मच. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स.